बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता सुशील मोदी का कल देर रात दिल्ली में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। बीजेपी नेता सुशील मोदी को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई को खो दिया है, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सतपथ में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन तुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर भरी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो सीख, मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व, और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में, बरसों जेल में रहे हमारे साथ, आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, अध्ययनशील थे और बराबर मजाक हंसी मजाक। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद सनवाज हुसैन ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन के उपरांत अपना दुख व्यक्त किया है। देखिए ये बहुत दुख बड़ी खबर है कि हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे, हर दुख सुख में साथ देना, एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी। किसी का भी दुख सुख हो सुशील मोदी जी वहां पहुंच जाते थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, और सबको साथ लेकर चलते थे। उनकी कमी हरदम खलेगी। सुशील मोदी जैसे नेता बिहार में विरले ही पैदा होंगे। सुशील मोदी की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। भागलपुर जिले के सनहौला में बालू माफिया का कहर और जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। पदाधिकारी आते हैं और निरीक्षण की खानापूर्ति कर चले जाते हैं, लेकिन बालू माफिया द्वारा किए जा रहे अपराध पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी निराशा है। जानकारी के मुताबिक सनहौला थाना क्षेत्र स्थित बंदोबस्त बालू घाट यूनिट ए के बंदोबस्तधारी मेसर्स कुणाल एंटरप्राइजेज भागलपुर द्वारा मनमाने ढंग से गिरुआ नदी से बालू का उठाव किया जा रहा है। बालू माफिया के डर से नाम नहीं छापने के शर्त पर कई ग्रामीणों ने बताया कि बालू संवेदक द्वारा रसलपुर से वैसा तक बाढ़ से बचाव हेतु गिरुआ नदी किनारे करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया सुरक्षात्मक जमींदारी बांध को कई जगह पर जेसीबी से काट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने दबी जुबान में बताया कि गिरुआ नदी बांध के किनारे गुजर बसर कर रहे गोविंदपुर, करहरिया, पोठिया, विश्वासपुर, मैयामा, अमडिया, नगदहा, बनियाडी, तिलवारा सहित दर्जनों गाँव के लोगों को गिरुआ नदी से आने वाले बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। माफिया द्वारा तटबंध पर रह रहे कई किसानों के रेती जमीन को भी काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिना तिरपाल से ढके बालू वाले ट्रैक्टर से अंधाधुंध व तेज गति से आवागमन के कारण उड़ने वाले धूल फसल को नुकसान करने के साथ साथ जनजीवन को काफी प्रभावित कर रहा है। कई लोगों का कहना है कि नदी का बालू बंदोबस्त हुआ तो नियमानुसार बालू का खनन करे, जिससे जान माल की भी क्षति नहीं होगी, लेकिन बालू कारोबारी सरकार द्वारा मिले निर्देश की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए कारोबार कर रहा है, जिससे आम जनता प्रभावित हो ही रहा है। साथ ही लाखों रुपए सरकारी राजस्व की क्षति
क्षति भी प्रतिदिन हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कई जगहों पर जमींदारी बांध को इस कदर क्षतिग्रस्त कर ट्रैक्टर जाने का रास्ता बना दिया गया है कि प्रत्येक दिन दुर्घटना होना दिनचर्या बन गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद सन्हौला अंचलाधिकारी व जिला खनन पदाधिकारी ने गिरुआ नदी का निरीक्षण किया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। इस संबंध में भुरिया महियामा पंचायत के मुखिया मुन्ना मंडल ने बताया कि गोविंदपुर सलपुर से वैसा तक बालू माफिया ने जमींदारी बांध को काट कर क्षतिग्रस्त कर दिया है, जो कहीं से उचित नहीं है। बालू कालोबारी बालू का धंधा कर यहां से चले जाएंगे, लेकिन प्रखंड व पंचायत के दर्जनों गांव के लोग आने वाले समय में बाढ़ से प्रभावित होंगे, जिसमें बालू उठने के बाद पानी का तल नीचे चला जाएगा। अभी पानी का लेयर 200 से 250 फीट पर मिल जाता है, लेकिन बालू उठ जाने के बाद पानी का लेयर 500 फीट चला जाएगा, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो सकता है और जल संकट भी हो सकता है। आप तो जानते ही होंगे, जितने भी कार्य किया जाता है बगैर पानी का नहीं होता, चाहे किसी खेती हो या पीने का पानी, सारा काम पानी से होता है। इससे ज्यादा नुकसान किसान का होगा। जिस तरह से बांध को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, आने वाले समय में बाढ़ का खतरा भी हो सकता है। मुखिया मुन्ना मंडल ने यह बताया कि बालू घाट मालिक नियमावली के अनुसार नहीं चल रहे, मनमानी ढंग से चल रहे हैं। भविष्य में पंचायत के लोगों को परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े, इसलिए हम लोग सोच विचार कर रहे हैं, इसकी लिखित शिकायत जिला पदाधिकारी से करेंगे। खबर को संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव ने मोबाइल के माध्यम से खबर को देखा था। मोबाइल के माध्यम से बताया कि जांच किया जाएगा, इसके बाद विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में विगत कई दिनों से लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का स्पष्ट रूप से मांग है, कुलपति भगाओ, विश्वविद्यालय बचाओ। वहीं आज भी विश्वविद्यालय में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल पांडे ने कहा, कुलपति अपने आवास से 2.5 लाख का पर्दा लगवा सकते हैं, लेकिन छात्रों की जिंदगी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ बीएड कॉलेज है, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं। कुलपति ने मोटी रकम देकर उन्हें मान्यता दी है। इस तरह की अनेक समस्या विश्वविद्यालय में कुलपति के संरक्षण में व्याप्त है। इस तरह से यहाँ के तमाम कुलपति की सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दूसरी ओर छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे कई समस्या जो विश्वविद्यालय में, अभी आपने सुना कि एसटीटी की, और कई समस्या विश्वविद्यालय में है। बीएड का जो अपना परीक्षा, यहाँ बीएड कॉलेज जो कि ना शिक्षक है ना संसाधन है, लेकिन उसको 10 लाख रुपया देकर कुलपति ने यहाँ जो है उनको मान्यता दी। ऐसे सीजन शर्मा नाम के व्यक्ति, जो अखबार के माध्यम ने से आप लोगों ने भी सुना होगा, वो सीजन शर्मा इनके परिवार के व्यक्ति, और इस विश्वविद्यालय के फंड से उनको मानदेय वेतन दे दिया करते हैं। ऐसे कई घटना विश्वविद्यालय में आया, 2.5 लाख का पर्दा विश्वविद्यालय के कुलपति अपने आवास पर लगाते हैं, लेकिन छात्रों को 1 रुपया का अंक पत्र देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। छात्रों को आज शिक्षक कर्मचारी छात्र पूर्ण रूप से त्रस्त है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के कुलपति लैपटॉप और मोबाइल चुराने में मस्त है। आज किस प्रकार की व्यवस्था विश्वविद्यालय में बनी हुई है, छात्र लगातार हम लोग 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने आकर सामने आकर पूछने का प्रयास नहीं किया कि आंदोलन क्यों हो रहा है। सेमेस्टर 1 की जो परीक्षा तिथि थी, जो अभी TMBU के द्वारा जारी किया गया था, वो 25 मई से समथिंग आगे तक था। तो हमारा दिक्कत क्या हुआ है, 28 मई को जो पेपर है यहाँ पे PG डिपार्टमेंट सेमेस्टर 1 का CC2 वाला पेपर, उसी दिन सेम 28 मई को ही हमारा BSB आयोग द्वारा एस्टेट एग्जाम का भी डेट निकल गया था। हालांकि वो बाद में निकला, एस्टेट वाला पेपर बाद में निकला, लेकिन यहाँ का पहले जारी हुआ था। तो अब दिक्कत यह आ रही थी कि हम लोग एग्जाम कौन सा अटेंड करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अटेंड करें, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर अभी संवारने वाला एग्जाम था। रहा सवाल कि इस एग्जाम का, तो उसी के बारे में हम लोग का ये कहना था सर से कि प्लीज कम से कम 28 तारीख वाले एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि अभी नोटिफाइड हो जाएगा कुछ देर में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 28 वाला पेपर को हमने 8 जून तय किया है, हम लोगों ने ही तय किया है। आप सर बोले कि आप लोग बताओ क्या करना है, तो हमने कहा कि सर इसको 8 जून कर दीजिए इस 28 मई वाले को, क्योंकि हम लोग पहले सोच रहे थे 5 मई करवाएंगे, लेकिन 4 तारीख को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव का वो गन्ना वाला कोई सीन है, उसके बाद 5 तारीख को भी कोई छुट्टी है विश्वविद्यालय में, तो उसको ना 8 जून किया गया है। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस निर्णय से, हमारा एग्जाम मतलब एस्टेट वाला भी दे सकेंगे और हमारा ये दूसरा पेपर है CC2, इसको भी हम लोग 8 जून को दे देंगे। हमारा इससे क्या होगा कि हमारा सेमेस्टर 1 भी क्लियर हो जाएगा और हम लोग एस्टेट में भी सही सलामत मतलब बैठ पाएंगे एग्जाम में, और इस चीज को लेकर के काफी खुश है हम लोग। परीक्षा का भी जो आज का जो मामला था, वो ऐसा है कि एक परीक्षा हमारी जो है वो टकरा रही है, एक सीटेट कंपटीशन एग्जामिनेशन है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे सेमेस्टर 1 या BEd के भी हैं या सेमेस्टर 1 के हैं, तो वो लोग एप्लीकेंट हैं, उसमें शामिल होना है। तो रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ के भी रोजगार प्राप्त करना है, तो सीटेट वाला इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, कंपटीशन है,
तो वो इसलिए हम मैं एक डेट को उसको शिफ्ट करने जा रहा हूँ अभी थोड़े थोड़े देर। हाँ वो डेट शिफ्ट होगा, 3-4 दिन आगे बढ़ा देंगे ताकि वो भी आप वो कंपटीशन भी फेस कर ले और यहाँ का भी एग्जाम दे। रिजल्ट पेंडिंग है नहीं उतना जितना हंगामा और अफवाह फैलाया गया है। अभी सारे TR साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके गए हैं कॉलेज में, आर्ट्स में बहुत कम नॉमिनल 2% 1%। तो हर बार जब भी एग्जामिनेशन होगा, पेंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई स्टूडेंट फेल कर गया, उसका फेल लिखा गया, कोई है कि 3-4 परीक्षाएं दिया वो कुछ पेपर में अपीयर नहीं हो तो पेंडिंग होना है। मान लीजिए कुछ इंटरनल मार्क्स है, प्रैक्टिकल वगैरह है, उसमें शामिल हुआ किसमें नहीं शामिल हुआ, तो ये सारे जो डिस्क्रिपेंसी है। या इसके अलावा किसी किसी का खास तौर पर क्या होता है कि कंप्यूटर अपने से जो मार्क्स फिट करता है तो उसमें कभी कभी कोई एक आध दो जो है छूट भी जाता है। मैनुअल वर्क हो रहा है तो मैनुअल वर्क में कुछ कुछ मान त्रुटियां रह जाती हैं जिसको फिर बाद में क्लेम करने पर वो सब सुधार हो जा रहे हैं। कागज वाला ये सॉल्व हो गया है क्योंकि अभी जो हमने BA पार्ट 3 2023 का रिजल्ट निकाला है वो उसमें हमने साइंस और कॉमर्स वाले को मार्क्स प्रोवाइड कर दिया था, सब कॉलेज को भिजवा दिया। सिर्फ आर्ट्स वाले का चूंकि बल्क में संख्या में था, 30,000 स्टूडेंट में 25,000 लगभग आर्ट्स में ही स्टूडेंट, तो वो 25,000 का जो है हम TR कल या परसों तक संबंधित कॉलेज में भिजवा देंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी के नेतृत्व में जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी विभागों का जो काम पेंडिंग है उस काम को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के कई विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक नहीं हो सकी थी, जिसको लेकर आज बैठक की गई और इस बैठक में पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार को पुनः अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में DDC कुमार अनुराग, सदर मंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, DPRO सहित कई अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक चल रही है जो हमारे प्रखंड, जिसमें जिला स्तर के समस्त अधिकारीगण, प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारीगण जुड़े हुए हैं। इलेक्शन के कारण से कई बार समीक्षा नहीं हो पाई थी और कई विभाग के काम लंबित रह गए थे, तो हमने समय दिया है, फिर मंडे को दोबारा समीक्षा की जाएगी। और इसी बीच में हमने अपने जिला स्तर के पदाधिकारीगणों को प्रखंडों में भी भेजा था ताकि वहाँ बेहतर स्थिति को कर सके, तो मुझे भरोसा है कि 10 दिनों के अंदर में काफ़ी अच्छी प्रगति हो जाएगी एवं आमजनों को उसका काफ़ी लाभ होगा।
भागलपुर जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ बैठक की गई। जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार ने कहा कि विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण हम लोग का विकास कार्य बाधित हो रहा है, इसलिए सभी जिला परिषद सदस्य एकजुट होकर विभाग के अधिकारी के साथ मिलकर वार्ता करेंगे, साथ ही जल्द से जल्द एनओसी मिले ताकि कई कार्य योजना जो ठप पड़ा हुआ है उस पर कार्य हो सके। आगे मिथुन यादव ने कहा कि पिछले कई महीनों से जिले का विकास ठप पड़ा हुआ था, अब विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। आज की बैठक में जिला परिषद प्रतिनिधि डब्लू सिंह, जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार सहित जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। पीरपैंती रेफरल अस्पताल को जीओआई की टीम के डॉक्टर छवि पंत जोशी, ज्वाइंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजश्री और डॉक्टर मानिक, जिला स्तर के पदाधिकारी डॉक्टर पंकज मनस्वी, एनसीडी पदाधिकारी एवं डॉक्टर दीनानाथ एवं जिला मूल्यांकन सह अनुसमन पदाधिकारी एवं पीरामल के पदाधिकारी गण के द्वारा एक्सप्रेशनल ब्लॉक रेफरल अस्पताल पीरपैंती के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत प्रथम तिमाही के भीतर ENC पंजीकरण, संस्थागत प्रसव, कम जन्म वाले बच्चे, NQS, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, TB कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया, जिसमें पूर्व से काफी सुधार प्रतीत हुआ है, सभी को संतोषजनक पाया गया। साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्यालापुर का निरीक्षण किया गया, यहां भी सभी ऑपरेशनल ब्लॉक इंडिकेटर भी संतोषजनक पाया गया। वहीं डॉक्टर सुकेश कुमार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रणव कुमार स्वास्थ्य प्रखंड प्रबंधक की अध्यक्षता में अस्पताल एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया गया। मौके पर मौजूद समीर भदौरिया, मोबिन अहमद, राज आनंद, नंदकिशोर पासवान, त्रिपुरारी कुमार, मोहम्मद फिरोज, गौतम ज्ञानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के मिरट्टी पंचायत में मुख्य पथ से जोड़ने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो मिरट्टी पंचायत से भंगा बांध होते हुए शाहकुंड रोड से जोड़ा जा रहा है। अमरपोश कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो निजी जमीन पर सड़क, पुल, पुलिया व ग्रामीण खेलकूद का मैदान पर सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को बंद करा दिया है। मौके पर जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास, मिरहट्टी मुखिया अशोक यादव पहुंचकर ग्रामीणों से बात कर अवगत होते हुए विभाग के SDO अंचलाधिकारी को सूचना देकर अंचलाधिकारी को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण SDO मधुलेखा, अंचलाधिकारी रवि कुमार, अमरपुर कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला को शांत करते हुए सरकारी अमीन से नापी करते हुए सड़क निर्माण कार्य होने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान अंचलाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि जमीन मापी की जा रही है, जो नापी करते हुए सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा, कोई भी परेशानी ग्रामीणों को नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान ग्रामीण एवं विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मामला ये है कि हम लोग इस सरकारी जमीन अतिक्रमण था, हम लोग इसको खाली करवाए अपना पैसा खर्च करके समाज के लिए फील्ड बनाने के लिए, अगर बाद रोड वाला कंस्ट्रक्शन जो आया तो इस पर रोड बीचे में बनाने लगा, तो बिहार सरकार जमीन जहाँ लास्ट था हम बोले वहाँ से बनाओ, जो कि किनाराम रोड रहेगा इधर फील्ड भी बनेगा। तो ये लोग तक नहीं, CO साहब को हम बुलाए, CO साहब फ़ोन करके ओवरसियर कंस्ट्रक्शन को बोल दिया कि इस पर रोड नहीं बनाओगे, तो तक नहीं बोल दिया कि नहीं बनेगा। अब फिर अभी जो है ना, हम लोग को बिना पूछले बीच में रोड बना दिया। फिर हम आज रोके काम, CO साहब को बुलाए और CO साहब बोल रहे हैं कि हम तुमको मना किए, तुम लोग को LOC कौन दिया? तो फील्ड का माजरा है, फील्ड का माजरा, हम लोग को LOC पहले ही मिल चुका है फील्ड बनाने के लिए। बिहार से निज जमीन था, जिसका भी कैलाश रविदास का निज जमीन था, उसके ऊपर भी घींच दिया रोड, निज जमीन में बना दिया। बिहार सरकार 130 फीट छोड़ दिया है उत्तर साइड, इधर रोड बना दिया है उत्तर साइड, बिहार सरकार निज जमीन 100 फीट छोड़ दिया, निजी जमीन पे रोड बना, निजी जमीन पे रोड बना दिया है। इस पे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मना कर रहे हैं कि सब बिहार सरकार पे जमीन बनाइए और फील्ड का ग्राउंड हम लोग का छोड़ दीजिए। हम लोग अभी से 2 साल पहले लड़े, पूरा फील्ड खाली किए हैं। अगर ऐसा ये लोग नहीं करता तो आप लोग क्या करेंगे? इसके आगे जहाँ तक होगा लड़ने का लड़ेंगे, आगे तक लड़ेंगे हम लोग। के द्वारा जो रोड बनाया जाए ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, इसमें से कोई त्रुटि है कि निजी जमीन में पुल और रोड बना दिया, तो उसी इशू था, तो CO साहब आके उसको सॉल्व कर दिए हैं अभी। और रोड जो है, इसको जो फील्ड जो बनाना था, NOC फील्ड का दिया था अंचल के द्वारा 2 साल पहले, उसी जो फील्डों में रोड भी बना दिया, तो उसको फील्ड को खाली रोड का किनारा करना है, बस यही मैटर है। रोड जो बीच में जो फील्ड बनाया है ना, तो रोड उसको किनारा कर देना है, वही मामला है कि एक साइड चलेगा। कई बच्चे लोग जब फील्ड में दौड़ेंगे, अगर गाड़ी चलेगा रनिंग में, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी दुर्घटना के स्तर से, इसी के लिए इशू बन गया था ग्रामीण स्तर से। तो ये सॉल्व हो गया, सॉल्व कर रहे हैं अभी, हम चल
पर आए हुए हैं स्कूटी। ये रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये रोड भंगा बांध से जा रहा है मिरट्टी गाँव।